एक hey गाइस स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाउन टू एडुकेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में आज हम लोग आपके आने वाले जेएसएससी लैब असिस्टेंट जेएसएससी पी जी टी एंड जे एस एस सी, सी, सी टेक्निकल केमिस्ट्री से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस को देखेंगे ये एक प्रकार का मॉक टेस्ट होगा जिसमें आपको पाँच सेकेंड का टाइम मिलेगा आप स्वयं से उत्तर देने का प्रयास करेंगे अपना उत्तर आप कमेंट में कमेंट करके लिख सकते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दे अगर आपने वीडियो को देखना शुरू कर चुका है फिर भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दे और कमेंट में अपना रिस्पॉन्स दिया करें आपके रिस्पॉन्स से ही हमें पता चलता है कि किस प्रकार के वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करवाए जाएँ तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर वन पे तो आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरली ओकरिंग न्यूट्रल अमीनो एसिड आज मुख्य रूप से हम लोग पॉलीमर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे ठीक है पॉलीमर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे तो पॉलीमर से संबंधित मिक्सड क्वेश्चन को देखेंगे और पॉलीमर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे एक एक चैप्टर को मैं कवर कवर करवा रहा हूँ तो इससे पहले भी प्रीवियस वीडियोज़ को जरूर देखें उसमें भी मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करवाया है तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरली ओकरिंग न्यूट्रल अमीनो एसिड कौन सा नेचुरली ओकरिंग न्यूट्रल अमीनो एसिड है ये आपको बताना है ऑप्शन से ल्यूसिन लाइसिन एस्पार्टिक एसिड या फिर लास्ट ऑप्शन है स्टीडाइन चलिए क्वेश्चन नंबर वन का करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे नेचुरली ओकरिंग अमीनो एसिड कौन सा है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ल्यूसिन ठीक है नेचुरली ओकरिंग अमीनो एसिड में जो ग्रुप होता है एन टू ग्रुप ठीक है एनएसटू ग्रुप और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उनका जो नंबर होता है वो इक्वल रहता है ठीक है कुछ कुछ एग्जाम्पल जैसे कि ल्यूसिन उसके बाद आपका ग्लाइसिन भी होता है ग्लाइसिन ठीक है ग्लाइसिन ग्लाइसिन ल्यूसिन ग्लाइसिन उसके बाद आपका हो गया एलानिन आइसोल्यूसिन वेलीन ये सब कुछ कुछ एग्जाम्पल है आपका नेचुरली ओकरिंग न्यूट्रल अमीनो एसिड का ठीक है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ल्यूसिन चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर टू है द फर्स्ट एंड स्मोलेस्ट अमीनो एसिड इज नॉन एस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन से इस प्रकार के क्वेश्चन आपके परीक्षा में बन सकते हैं द फर्स्ट एंड स्मोलेस्ट अमीनो एसिड इज नॉन एस लाइसिन ग्लाइसिन सेरिन या फिर ल्यूसिन चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिक चीज़ों को अधिक से अधिक पढ़ने का प्रयास करें क्योंकि जे लेवल के परीक्षाओं में बेसिक चीज़ों से ही अत्यधिक क्वेश्चन बनता है द फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड इज नॉन एज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्लाइसिन ग्लाइसिन इज द फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड एंड क्वेश्चन नंबर टू का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्लाइसिन इसे आप याद रखेंगे ठीक है और ये किससे बना होता है पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन्स का बना होता है ठीक है पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन्स याद रखेंगे इससे बना होता है और ये ग्लाइसिन बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी के लिए भी बहुत सारे फंक्शन इनसे जुड़े रहते हैं जैसे कि ये प्रोटीन के सिंथेसिस में मदद करता है तो इसका करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी ग्लाइसिन आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री द कंपाउंड विच कंटेन मेनी एन एच एंड सी ओ ग्रुप इन द सेम मॉलिक्यूल आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन प्यूरस या फिर पायरीमाइडीस इसका करेक्ट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर थ्री का करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटीन्स ठीक है प्रोटीन्स आर द कंपाउंड्स इन विच मेनी ग्रुप एंड मेनी ग्रुप्स एंड ग्रुप्स आर अटैच्ड इन द सेम मॉलिक्यूल एक ही मॉलिक्यूल में बहुत सारे एन एच या फिर सीओ ग्रुप अटैच रहेंगे उसको हम लोग प्रोटीन कहेंगे ठीक है ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन्हें अमीनो एसिड भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर ही प्रोटीन का निर्माण करते हैं ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर चलिए क्वेश्चन नंबर फोर है हेमी टर्पीन्स आर द कंपाउंड वन आइसोप्रीन टू आइसोप्रीन यूनिट थ्री आइसोप्रीन यूनिट या फिर फोर आइसोप्रीन यूनिट क्वेश्चन नंबर फोर का करेक्ट आंसर देंगे मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सभी स्टूडेंट खुद से आंसर देने का प्रयास करेंगे अगर आप आंसर देने का प्रयास नहीं करेंगे तो आपका प्रैक्टिस नहीं होगा आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन किस प्रकार से है हेमी आर द कंपाउंड विच कंटेन्स इसमें सिंगल आइसोप्रीन होता है ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेमोटर्पिन का फॉर्मूला क्या होता है सी फाइव एच एट ठीक है जिसमें वन आइसोप्रीन होता है और आपका पांच कार्बन एटम होता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वन आइसोप्रीन ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज बाई पेप्टाइड बॉन्ड बैंडरवाल फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर डायपोल डाइपोल फोर्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सभी कोई बताने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन नंबर एट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एनएच और सीओ जो ग्रुप होता है इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइज करता है इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जो एन ग्रुप होता है और जो सीओ ग्रुप होता है इसके बीच अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज बाई हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा स्टेबलाइज होता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन बॉन्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फर्स्ट यूज फिनाइल आइसोथायोसाइनेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ ए पेप्टाइड फ्रेडरिक सेगर मैक्स बर्गमैन या फिर ऑप्शन सी है लियोनाइडस जारवेस या फिर ऑप्शन डी है फेहर एडमेन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा हु फर्स्ट यूज फिनाइल आइसोथायोसाइनेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड पेप्टाइड के सिंथेसिस में फिनाइल आइसोथायोसाइनेट का उपयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था क्वेश्चन नंबर नाइन का करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करेंगे तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फियर एडमैन फर्स्ट यूज्ड फिनाइल आइसोथायोसाइनेट फॉर पेप्टाइड सिंथेसिस ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं विच एमोंग फॉलोइंग इनऑर्गेनिक पॉलीमेरिक मटेरियल फाइंड यूज इन मेकिंग कॉस्मेटिक और मेडिकल इम्प्लांट्स सल्फर नाइट्राइड पायरोक्सिन सिलिकॉन्स या फिर फोस्पेजेंस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे सभी कोई तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिलिकॉन ठीक है सॉलिड सिलिकॉन जिसे हम लोग डाई मिथाइल सिलो आ, सिलो सिलोक्सेन भी कहते हैं ठीक है डाई मिथाइल सिलोक्सेन भी कहते हैं इसका उपयोग फेसियल सर्जरी के में किया जाता है मेडिसिन उपयोग है इसका तो इसे याद रखेंगे सिलिकॉन सिलिकॉन में भी याद रखेंगे सॉलिड सिलिकॉन जिसे हम लोग डाई मिथाइल सिलोक्सेन के नाम से भी जाना जाता है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सिलिकॉन्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन व्हेन ग्लिसिन इज हीटेड इट फॉर्म्स जब ग्लिसिन को हीट किया जाता है तो क्या फॉर्म होता है डाइकीटोपिप्राजीन एक्रीलिक एसिड ब्यूटायरिक एसिड या फिर ब्यूटायो ब्यूटायोलेक्टम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन का करेक्ट आंसर क्या होगा तो जब ग्लाइसिन को हीट किया जाता है तो बनता है ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डाइकीटोपिप्राजीन ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रोटीन्स डू नॉट रेस्पॉन्ड टू लुकस टेस्ट ब्यूरेट टेस्ट हैलर्स टेस्ट या फिर नीनहाइड्रीन टेस्ट ये इंपॉर्टेंट है बी में आपने इस चीज़ को पढ़ा होगा प्रोटीन्स डू नॉट रेस्पॉन्ड टू लुकास टेस्ट ब्यूरेट टेस्ट हैलर्स टेस्ट या फिर नीनहाइड्रीन टेस्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लुकास टेस्ट ठीक है ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रो प्रोटीन्स डो नॉट रेस्पॉन्ड टू ऑप्शन ए लुकास टेस्ट की ओर ये रेस्पॉन्ड नहीं करता है ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अन एमिनो एसिड यूजुअली सोज इट्स लोअर स्टेबिलिटी इन एसिडिक सॉल्यूशन इन बेसिक सॉल्यूशन एट द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट या फिर एट पीएच एच पॉइंट जीरो अन एमिनो एसिड यूजुअली सोज इट्स लोअर स्टेबिलिटी सबसे लोएस्ट स्टेबिलिटी किस स्थिति में अमिनो एसिड शो करता है इन एसिडिक सोल्यूशन इन बेसिक सोल्यूशन एट द आइसो पॉइंट या फिर लास्ट ऑप्शन है पी जब रहता है तब तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एट द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ठीक है ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अमीनो एसिड आर लिस्ट वाटर सोल्यूबल एट पी एच सेवन पी एच वन पीएच फोर्टीन या फिर दियर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी टोसिन यूनिट गिवस अव नीनाइड्रीन टेस्ट मोलिस्क टेस्ट या फिर जेंथोप्रोटीए टेस्ट मिलोन टेस्ट आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन का तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नीनहाइड्रीन टेस्ट ठीक है नीनहाइड्रीन टेस्ट बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है इसका उपयोग क्यों किया जाता है किसी भी मॉलिक्यूल में या फिर किसी सॉल्यूशन में अमोनिया का प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए या फिर प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन्स को डिटेक्ट करने के लिए अमीनो एसिड को डिटेक्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नीनहाइड्रीन टेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है या या फिर test, या फिर ऑप्शन डी है Hopkins cold test. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जेंथ प्रोटीएक टेस्ट ऑन हीटिंग विद कंसनट्रेटेड एच एनओ थ्री प्रोटीन गिव येलो कलर और ये कौन सा टेस्ट है जेंथ्रोप्रोटेक टेस्ट ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा बिस्कोस रायोन यर्न इज मेड अप ऑफ नाइट्रेटेड सेलुलोइड, सेलुलोस जेंथेट या फिर करामेल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेलुलोस जेंथेट ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है तो आज के इस वीडियो में इतना ही इसी प्रकार अगर आप विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को विजिट कर सकते हैं अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन रखें और आज के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं जितना भी आपका थ्योरी क्लासेस है उसको कंप्लीट करवा दूंगा ऑब्जेक्टिव क्लास जितना हो सके मैं करवा दूंगा और ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने बुक भी प्रोवाइड करवा दिया है ये जो भी आप लोगों ने क्वेश्चन देखा ये जिस बुक का क्वेश्चन है उस बुक को अगर आपको चाहिए तो नीचे आपको टेलीग्राम आई का लिंक मिल जाएगा एट द रेट बाउंड या फिर डायरेक्टली जाकर के सर्च कीजिएगा एट ठीक है एट द रेट बाउंड टू एडुकेशन में सर्च कीजिएगा उस बुक का पीडीएफ डी एफ में प्रोवाइड करवा दूंगा ओनली फिफ्टी रुपीज़ आपको लगेंगे अगर आपको बुक का पी चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्सन में आपको मिल जाएगा आई का लिंक एट द रेट बाउंड टू एडुकेशन में जा कर के या फिर सर्च करके भी आप मुझे बोल सकते हैं कि बुक का पीडीएफ चाहिए तो मैं बुक का पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा ठीक है दो तो चार दिन बचा हुआ है अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं धन्यवाद अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं